कहाँ लेके जा रहे हो जी मुझे आज? अरे गोइंग जिला तेडा तेडा के ना वो एक हाड़ी में फेंकाएंग नतीखापन आ गया हूँ, दब को ले गुंडों से नतीखापन आ गया हूँ। आई तो मुझे खबर है नतीखापा आ गया। हेलो नहीं है हेलो चोगा जी नेट चालू हूँ दीदा यो पूरो में। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे कई दिनों के बाद बाहर लेके जा रहे हैं आप। अभी क्या आओ ना आते हो ये हमेशा, तो कुछ ना कुछ रीजन तो नहीं चाह रहे तो थे ना? तेरी सिलाई थी ना, तो कब से बोल रहा हूँ। वो तो अभी भी है। ना ले ना ले ना ले, वो तो अभी भी है। मैं नहीं जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि कब से मैं कहीं पे गई नहीं काम के सिवा, तो थोड़ा सा टहल आए, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आए। तो अभी बज रहे 5:45 और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वैसे तो सोचा है मंदिर जा रहे हैं, और तो यहाँ कोई जगह घूमने लायक है नहीं, तो मंदिर पे ही जाते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं। और थोड़ी सी गाड़ी की भी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी मूड हुआ तो, और आगे आगे देखते हैं ये जनाब हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं। जनाब 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 जो जनाब जनाब जो अनिल गच परफ्यूम लगे दही तो किर गच परफ्यूम लगे तेरी उम्र इतना परफ्यूम इन्होंने लगाया है, मेरा सिर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। और मुझे बोल रहे हैं कि तूने बहुत परफ्यूम लगाया, मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, आपको पता है ना। अरे अरे स्टाइल मार नजर आटी दुर्घटना घाटी, मैं तो बोल नहीं रही इनको नजर आटा। और मैं हम अभी निकले घर से, और घर पे मैंने पंखा स्टार्ट किया था बाल सुखाने के लिए, तो अनिल मेरे पे चिल्ला रहे थे ठंड लग रही है ठंड लग रही है, और गाड़ी में ऐसे चालू करके बैठे तो अब ठंड नहीं लग रही। हाथ तभी नान के आया था तो मेरे बाल अभी तक गीले, आपकी वजह से मेरे बाल नहीं। तेरा शरीर और मेरा शरीर दोनों अलग ही है, ठीक है। देखो हमारा पूरा दिन ऐसा ही चला रहा है, चलता रहता है, ऐसा ही होता है। झूठ में सहन नहीं करता हूँ। ओह तो मैं झूठी बोल रही हूँ। इतनी देर तूने पंखा चालू नहीं किया, ठीक है। चालू ही था, चालू ही था पंखा, हमारा पंखा है ना, धीरे 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 स्पीड पकड़ता है। अभी देख, ठीक है, हमारा पंखा धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। मैंने कब से चालू किया था, तो वो जब आप आने वाले थे तभी स्पीड पकड़ी, तो मैंने क्या इसमें मेरी क्या गलती है। नहीं जाएगी ना तभी वो लाइट ही पूरा बंद कर दूंगा। तू कर देना, कैसे चालू कर देना, मैं ठंडे पानी से नहा ठंडे पानी से नहा लूंगी। इतने तो बंद के हो हां सुन सुन खत्म हो यार ना मथुरों की चिंदवन से हो। तो अनिल गए हैं प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ प्रसाद लेके आओ, तो बस वो प्रसाद लेने गए हैं और उसके बाद निकलेंगे मंदिर के लिए। तो यहाँ पे मैं अकेले बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करें और कंटिन्यू रहे व्लॉग में। प्रसाद कर गड़ा मोतीचूर लड्डू पूरा ना था, वो मिक्स में कराए उस कौन मोतीचूर के लड्डू आपको पसंद है? मुझे याद नहीं मैंने कब लास्ट टाइम खाया था। कितने साल पहले देखा था हमने इधर मकान? क्या मकान इधर कितने साल पहले देखा था? 4 साल पहले। व्लॉगिंग कर रहे हैं ना? हाँ कर कर। तो देख रहे हैं हमने ना इस साइड मकान देखा था 4 साल पहले, जो लिया नहीं, अफसोस हो रहा है। अब 5 साल तो इधर हुआ है। हाँ 5 साल हो गए। 6 साल पहले हाँ, तो इस साइड जो है ना मकान देखा था, ये गोकुलम सोसाइटी है उसके सामने, ये शिव है ना, कौन सी सोसाइटी है? शिव पता नहीं, शिव टाउनशिप है ये। हाँ अदानी का है ये, तो इस साइड देखा था हमने, लेकिन इस सेट ले नहीं पाए। लेना है 40 लाख रुपया। नहीं पापा इतना नहीं है बजट हमारा, उस टाइम भी बजट का प्रॉब्लम था इसलिए ले नहीं पाए। लेकिन अब हम यही सोच रहे हैं कि जिंदगी में अब भी नहीं, लेकिन एक अच्छी सी जगह पे रहना है, वो भी अच्छी है, लेकिन उधर है ना थोड़ा सा वो है, एरिया वाइज है ना, कुछ भी चाहिए तो बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तो
यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा था मकान लेकिन ले नहीं पाए, अब देखेंगे आगे जाके। हम पहुंच आए और उधर तेरे को सिखाऊंगा किधर इस साइड ध्यान नहीं लांदे रहा हो गया है अब तो सीखोगी कब तो थोड़ा आधा घंटा ज्यादा नहीं आधा घंटा ठीक है थोड़ी देर तो यहाँ पे बैठेंगे ना ट्रैफिक बहुत है इतनी सारी गाड़ियाँ पड़ी है संडे इसके लिए शायद गणेश दादाजी के मंदिर आए हैं और ये देखो यहाँ पे कितनी भिंद कलर ने करो रेड थे भी बनो न के टाइम पे पहुंचे, आरती खत्म हुई और बाहर बैठे देखो अनिल यहाँ पे, और यहाँ पे देखो काम चल रहा है और यहाँ पे हॉस्टल भी है जो हमारे महेश्वरी समाज का, यहाँ पे हॉस्टल है, स्कूल है, तो यहाँ पे हाँ ऊपर काम चल रहा है और बहुत रौनक लगी रही है। अभी काम चल रहा है वहाँ पे और हम थोड़ी देर वहाँ टहलते हैं। अब गार्डन में तो ये साइड गार्डन, लेकिन गार्डन में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी देखते हैं। गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी चलानी है लेकिन तो चलते हैं देखते हैं। रख के आओ गाड़ी, कोई बात नहीं, रख के आओ, जाओ रख के आओ ना, क्यों तो इधर आना नहीं इसलिए बोल रहे बंद हो गया है। देखो यहाँ से मंदिर कैसा लग रहा है और जो मुंद्रा ले रहा है वो तो आया ही होगा। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ गार्डन में क्योंकि ऐसे ही टहलने के लिए आए हैं, तो टहलना तो बनता है ना। तो कोई नहीं है, देखो हम दोनों दो लोग ही हैं यहाँ पूरे गार्डन में, तो अच्छा लगेगा, आ जाओ। तो गाड़ी सीख लूँगी मैं, फिर कब आएंगे? बोलना मत अनिल, तू सिखाता नहीं है, ये क्या हरकत है, किसी को क्या लगेगा। तो पूरा सुना सुना सा गार्डन पड़ा है, मजा आई ना। हाँ मैं गया, फ्रेश तो ही है, मस्त। और मुझे लगता नहीं अनिल यहाँ पे बैठेंगे, जल्दी आए होते तो एक फोटो वोटो खींचते, रील्स वील्स बनाते। इसमें भी मेरी गलती, जल्दी नहीं आए। देखो देखो आप, क्या देखो, यहाँ पे मेरी रील्स कितनी अच्छी बनती। मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में, इस भाई साहब को है ना, भाई सॉरी इस जनाब को है ना, यहाँ पे रहने का मन नहीं है लगता है, इसलिए देखो गेट से इधर आ ही नहीं रहे। मुझे उस में बैठना था और रील्स बनानी थी। चल झूले में झूला ही था, वही मैं बोल रही हूँ। और देखो फाइनली मैं आ गई झूले तक और मैं झूला झूल रही हूँ, छोटी बच्ची हूँ मैं। कभी कभी छोटे बच्चे जैसी हरकत करनी चाहिए हमको।
ठंड लग रही है अनिल। ओ अनिल एक रील बना दो जल्दी से और फिर चलते हैं, ठंड लग रही है। एक तो मेरे बाल भी गीले हेड वडो खडो थई गयो है, पग मुए पोजे ने ता। शाम को आए होते तो कितनी अच्छी रील्स बनती। नडी नडी छुरी बे नडे जो है ये छोटे बच्चों के लिए। तू छोटी बच्ची है क्या? हाँ। छोटी बच्ची है क्या? हैं? हाँ। है बना किंग, कुछ तो शर्म करो यार, छोटे बच्चे का है ये सब। देखो ये कभी कभी छोटे बच्चे बन जाना पड़ता है। तो गिर जाएगी? नहीं गिरूंगा। अब रेस बनाओ जल्दी से, रुक तो सर, ठंड लग रही है। तू चल रही है, मैं चला जाऊं? चले जाओ, मुझे यहाँ खाना मिल जाएगा और रहने के लिए भी मिल जाएगा। एक वाइट कपड़े पहने कोई देखेगा ना तू बोलेगा छोटा चिल्ला चिल्ला। मेरी रात जो है छोटे भूत आ रहे जी तो ये पहले तो ही सूट करिए ही नहीं सूट करिए तो ने को और तो ने आची बंदो भूत ने जाए। चल चल लो के लो की करो है हंते हंते एकड़ 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 हंते 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 ओच नीचे ग्राना हां हां ना पाव आगी सर्दी नहीं आवी। छेड़ा कर छेड़ा। सर्दी नहीं आवी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आज मजा आती हुई है जोशना के गत में है पीछे इतनी खुशी। जल्दी आए होते तो मुझे ना ये हो रहा। तो मैं कब से बोल रहा तेरे को? 4 बजे से बोल रहा था। ऐसे ऐसे रील्स बनाती देख। चल उधर उधर चल उधर दे स्टेज पे बैठ जा और गाने लग या डांस करना है डांस कर। मैं ना स्पीच देती हूँ आप सबको दिल से शुक्रिया, मुझे इतने सपोर्ट कर रहे हो। देखो आज मैं इस मुकाम तक पहुंचाई। अभी अच्छा लग रहा है ना नाने, लेकिन अंधेरा हो गया इसलिए वीडियो ब्लर ब्लर हो रहा है। और आईफोन आएगा आएगा जब जा रहे हैं अब हम भी जलते हैं। सच में सर्दी हो गई थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सुकून वाली जगह है। अनिल कब से मुझे बोल रहे हैं चल 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 चल, वेट कर रहे हैं। और देखो पूरा नज़ारा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हो रहा है कि अभी नहीं जाना। तो ये रहा कुछ पूरा, तो कभी दिन को आएंगे तो गार्डन में जाएंगे। आपने तो मुझे सच में छोटी बच्ची सामत लिया है। तो नहीं तो मैं क्या करूं, बैठाओ मुझे रहमान में, बैठाओ मुझे। हाँ समझ रही हूँ। तो देखिए मोतीचूर के लड्डू प्रसाद में आ जाइए खाने के लिए। क्यों जैसा हूँ ना कि जब आए हुए मैं जोशना गाड़ी सिखा रहा था। इसके पैर इतने छोटे हैं ना तो उधर क्लेच और ब्रेक पे है ना पैर नहीं पहुंच पा रहे। थोड़ी बहुत मैंने अच्छी गाड़ी चलाई। मैंने मैंने इसको बोला आगे मैं खड़ा हूंगा और तेरा भाई खड़ा होगा, इसमें से तू क्या करोगी? ब्रेक दबाऊंगी। वो तो वो सही जवाब दिया इसने। मैं किसी को भी मारने वाली लड़की नहीं हूँ, आपको क्या लगता है? और है ना आज थोड़ी सी मिस्टेक हुई पत्थर पे। मैं बोला ब्रेक लगा तो मेरा मुंह है ना इधर लगा इधर। अनिल इतना भी झूठ मत बोलो अनिल, मेरा हार्ट बीट कैसे हो गया था?
मैं 5 मिनट के लिए रिलैक्स हुई, उसके बाद फिर से पानी पिया, नाश्ता किया, उसके बाद खजूर का लड्डू पहले खाया था। चलो आप चालू करो, आप ड्राइविंग करो। ये ले, आप अनिल की बारी है। आपको कितना डर लगता था अनिल गाड़ी चालू सीखने टाइम? आप तो क्लासेस जाते थे ना। फिर भी मेरे को आती नहीं थी, तभी ले ली थी गाड़ी, तेरे को पता है। लेकिन क्लासेस जाके आपने सीखा, कितनी मैंने सीट आगे की है देखो। अब मैं इनको बोल रही हूँ मैं गाड़ी लूंगी ना तो ऑटो घर वाली लूंगी। मुझे है ना ये घर में ही समझ नहीं आ रहा, बाकी समझ आ जाता है। तो देखो मैंने कितनी सीट आगे की, और आपने आप अब देखना अनिल कितनी सीट पीछे करते हैं। मेरे पैर बहुत छोटे हैं। अनिल बैठ भी नहीं पा रहे, इतनी आगे की मैंने। देखो कितनी आगे की थी सीट। चलो बाय बाय, मैं नहीं चल रही, चल के कितर हेबो फ्लेवर वाली हूँ। म्यूजिक 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 हम गांव फ्लेवर वाली खाती आई हूँ भाई गेंजा भले। आज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, फ्रेंकी खाने आए हैं अनिल तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है फ्रेंकी का, जो अनिल ने कभी नहीं खाया। तो अनिल बोले कैसा होगा अनिल करो ऑर्डर, दे तो देना है, पार्सल कराना है तो चाहिए देना है पार्सल। तो पार्सल हमारा हो जाए उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी थोड़ी देर में, जाएंगे उन्हें हंडी आज फोन मेल लगाने बाइक के। कृष्णा कृष्णा को मिलने जाएंगे, सबको चालू स्कूटी में नहीं करी किन साइड थी घोसी हमारा फैन की पार्सल ले लिया, वहाँ बैठ के नहीं खाया। तो अनिल लेने जा रहे हैं दाबेली, तो आज हमारा कोई खाना नहीं बनेगा। आज घूमना फिरना खाना पीना सब हो गया, तो आज कोई हमारा घर पे खाना नहीं बनेगा, तो नाश्ते से ही काम चलेगा। एक दिन चलता है, वीक में एक दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ फ्रेंकी, जो शायद मैंने भी नहीं खाया, तो देखती हूँ कैसा लगता है मुझे। अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी अनिल को चखा दें और अचार जैसा है इसमें लग रहा है कुछ टेस्ट। पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा डाल दी है इसमें, और अचार सीरियसली आम का अचार होता ना उस जैसा टेस्ट है इसमें। थोड़ा थोड़ा जो ये डाला है ना, कैसा लगा आप? ठीक है, तो ये एरिया था जो बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया था, और बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो थी और पीछे सब देख रहे थे ना, तो रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने देखा था, तो देखो अब कितना अच्छा हो गया है सब इस साइड। और जब हमने देखा था ना तब कुछ भी नहीं था इधर, ये दुकान वुकान कुछ भी नहीं था। तेरे को बताऊं कितना पानी था इधर, इधर से इस रोड के इधर से ऐसे पानी जा रहा था इस बार। नहीं लेकिन हम जो रह रहे हैं वो भी अच्छा ही है। नहीं नहीं मैं जस्ट जनरली बात कर रहा हूँ, इधर इतना पानी था गुड़े गुड़े, मतलब अपने
और ये देखो गोकुलम सोसाइटी है, तो इसमें तो नहीं देते, इस साइड लेने वाले थे हम। चार पांच मकान देखे थे लेकिन हमारी लोन पास नहीं हुई, इसके लिए नहीं लिया था। और ये देखो अब कितना अच्छा सब बन गया है, रियल पाप्रिका। तो ये इलाका अच्छा लग रहा है अब इस साइड, सब जगह पे एक ही जगह पे सब चीजें मिल जाती है, हमको इधर उधर जाना नहीं पड़ता। तो भविष्य में देखेंगे कोई ऐसे ही एरिया में रहने जाएंगे जो इधर उधर हमको जाना ना पड़े, तुरंत ही तुरंत सब चीजें मिल जाए ना। तो पुरानी यादें ताजा हुई ना, यहाँ पे हम 3 साल रहे थे और इस साइड पे अभी मेरे जेठ और ये रह रहे हैं जेठानी। तो कृषा से मिलने गए थे, थोड़ी देर खेला, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रो बहुत रही थी, और बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे हम इधर 3 साल रह के गए हैं तो ऐसे होता है ना, अटैचमेंट सी हो जाती है उन गलियों से, घर से ना, और बहुत अच्छा लगा। आज पुरानी यादें ताजा हो गई आज, और बहुत अच्छा लगा। तो अब घर पे ही जाके ही मिलेंगे। और ये उमिया नगर रहते थे पहले हम, मुंद्रा उमिया नगर में। सामने पार्लर था, वहाँ पे मैं पार्लर में आती थी की न तो खपे बादाम से खप तो हाँ तो ठीक है बादाम से नहीं है ना। तो यहाँ पे पार्लर था चांदनी ब्यूटी पार्लर, जो अब नहीं है। तो यहाँ पे उमिया नगर के गेट के सामने भी पार्लर में मैं आती थी। और ये हाईवे, तो अब अनिल जा रहे हैं बादाम सेक लेने के लिए, तो दो ही लेना और कुछ मत लेना। आज तो हमारा खाना बाहर का ही हो गया शाम का, तो पहले पानीपुरी खाई फ्लेवर वाली, फिर फ्रेंकी खाई और अब बादाम सेक। तो पेट तो फुल हो गया और ज्यादा भूख लगेगी, तो भूख तो अब तो नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगता भूख लगेगी, लेकिन आगे देखते हैं। फ्रूट खत्म हो गया घर पे, तो फ्रूट लेना है। सब्जी वाला आता है लेकिन फ्रूट लेके नहीं आता, तो कुछ फ्रूट ले लेंगे। और नारियल लेना था मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी नारियल मिलेगा। तो अभी कितने बज रहे हैं पता है? तो अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो अब पता नहीं नारियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रूट ले लेंगे। मैंने खेले थे हेडी खेल थोड़ी दे हेडो खेला जे कहाँ से हमको वापिस। पहले आने ले बोला मेरा वीडियो मत बनाओ, ये ब्लॉग में मत डालना, लेकिन मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। तो मैं डरो कुछ, अरे हाँ आप भूल गए थे, इसलिए मैं ये पैक करा हुआ साइड में ही अंदर रख दिया था ठंडा, लगा आए अभी आए या ना आए, कल भी आए। कल क्या आए फिर? कहाँ से हम वापस आए पता है? हाँ सुन यार, प्रेम है बाबू जो एंड्री ते पा गालियों करे सको ता न कताओ तो थी समुरी गालियों न तो करिया यार ही मैंने। अरे मैंने बोला कि चलो छोड़ दो, अब आगे से दूसरा ले लेंगे, फिर से नहीं चल नहीं क्या है, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी ना फिर से, नहीं घूमना ही है ना आज। गंदा मौज नहीं है रात तक गंदा देख रहे हो गंदा, पता नहीं कब जाएंगे। इतने में तो घूमे में हंस हंस के ये मेरा मुंह दुख तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। दुकान के ऊपर आपको देखना था, देखने जैसा था अनिल का मुंह और मेरी स्माइल। मुझे हो रहा था कि मैं शूट करूं, लेकिन अनिल ने मुझे मना बोला था, फिर मेरे से रुका नहीं गया। अनिल पहले बोले मेरे वीडियो में मत डालना, ये ब्लॉग में मत डालना। कैसा लग रहा है? चुप हो जाओ ना, मैं इधर से गाड़ी बहुत तेज चलाऊंगा। नहीं नहीं बंद कर रही हूँ। तो अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे हम घर पहुंचे, और हाके अनिल ने तो बिग बॉस स्टार्ट कर दिया। तो आज बिग बॉस का स्टार्टिंग मिस हो गया और इतने सारे आज काम हो गए नेहरू इतने सारे काम हो गए आज, और एक काम रह गया नहीं, आटा लगवाने के लिए रखा था और आटा भूल गए। अभी रास्ते में याद आया कि आटा नहीं है कल के लिए, तो कल कुछ और टिफिन में बना दूंगी। और आज बहुत मजा आया ना अनिल, ये इतने दिन से बोल रही थी ना।
एकदम मूड ऐसे रिलैक्स और माइंड फ्रेश हो गया इतना घूम के आए। तो चलो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।